हेलो एवरीवन, सो ये है लास्ट टू डेज ऑफ द कॉन्फ्रेंस और इस दिन था मेरा पोस्टर प्रेजेंटेशन। सो मैं रेडी हो गई थी सुबह सुबह एंड मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस थी। बट मेरा पोस्टर सेशन बहुत अच्छा गया, काफ़ी लोग आए पोस्टर पे एंड बहुत मज़ा आया। एंड फिर मैं काफ़ी रिलैक्स थी बिकॉज मेरा पोस्टर सेशन हो गया था एंड हम एग्जिबिट्स एक्सप्लोर कर रहे थे। एग्जिबिट्स में बहुत सारे फ्री गुडीज मिलते हैं तो बहुत मज़ा आता है लोगों से इंटरेक्ट करके। और यहाँ की एक सबसे ज़्यादा फैंसी चीज़ जो मुझे लगी है, पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा बट मैंने पहली बार देखा कि सेम टैप में या जो भी चीज़ें हैं उसमें सोप, वाटर और ड्रायर तीनों चीज़ें थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के, मतलब मैंने पहली बार ऐसा वॉशरूम देखा जिसमें ऐसे एडवांस टैप्स थे, तो मुझे ये बहुत फैंसी लगा तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। एंड उसके बाद मैं गई टॉक्स अटेंड करने। सो काफ़ी सारे गेस्ट लेक्चर्स, स्पेशल लेक्चर्स थे तो मैं अपने फेवरेट लेक्चर्स चूज़ करके वो अटेंड कर रही थी। फिर क्योंकि कुछ लास्ट डेज थे तो मैंने सोचा मैं थोड़ा वेन्यू का भी अच्छी अच्छी जो चीज़ें दिख रही हैं उनको कैप्चर कर लेती हूँ, जैसे कि ये जो बैडमिंटन रैकेट्स और गिटार्स और इन सब चीज़ों से जो सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाए थे मुझे वो बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने सोचा कैप्चर कर लेती हूँ। एंड हमारे वेन्यू के बाहर ही एक बहुत ही बड़ा एप्पल स्टोर था। ये पूरा एप्पल स्टोर मतलब काफ़ी बड़ा था, बहुत लोग जा रहे थे इधर। फिर मैं जा रही थी ब्रेकफास्ट करने और यहाँ का ब्रेकफास्ट तो स्टैंडर्ड ही होता है होटल्स में, यूजुअली बेगल्स, ड्राई फ्रूट्स और मफिन्स, योगर्ट, यही सब होता है। फिर मैं पहुंच गई थी हमारे कॉन्फ्रेंस वेन्यू पे और ये था मेरा आज का आउटफिट और ये हमें कॉन्फ्रेंस वालों की तरफ से एक बैग मिला था। उसके बाद मैं सीधा गई थोड़े टाइम बाद लंच करने क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। तो यहाँ पे वेजिटेरियन या वीगन ऑप्शंस ढूंढ रही थी एंड काफ़ी बड़ा सा कैंटीन बोल सकते हैं या जो भी था, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस थे बट मैंने ये चूज़ किया था फ्राइड राइस सॉर्ट ऑफ था विद चना दाल और उसके साथ थे ये प्लांटेन चिप्स जो कि बनाना चिप्स का एडिबल वर्जन होता है। First as a fan and I was blown away and since then I almost attended every year and it's an incredible honor to be here on this stage doing this talk as a fan in 2023. Before I start about the scientific part of my talk. फिर कुछ टॉक्स अटेंड करने के बाद मैं फिर से आ गई थी
एग्जिबिट्स वाले एरिया में. यहाँ बहुत कूल कूल सी चीज़ें दिख रही थी, वीआर डिवाइसेस दिख रहे थे, तो वो सब देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था. यहाँ पे ऐसे न्यूरोसाइंस थीम पे बेस्ड काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स मिल रहे थे, जैसे इयररिंग्स, नेकलेसेस, मतलब सारे साइंस थीम के ऊपर डिज़ाइन थे. एंड ये था ग्रेजुएट स्कूल फेयर वाला हॉल, जो कि अब खाली हो चुका था, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी थोड़ी देर अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए. एंड काफ़ी बड़ा हॉल था, ऑल्दो मैं इस बार इस साइड नहीं आई क्योंकि ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए था, मतलब ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अंडरग्रेड्स के लिए ऑप्शन था टू चूज देयर ग्रेजुएट स्कूल्स. फिर मैं गई फाइनल प्रेसिडेंशियल लेक्चर्स अटेंड करने, जो आज के दिन के फाइनल लेक्चर्स थे. उसके बाद शाम को जब सारी टॉक्स ख़त्म हो गई, फिर हम लोग जा रहे थे सोशल इवेंट्स अटेंड करने, जो कि हर दिन होते थे टॉक्स के बाद. तो ये वाला सोशल इवेंट था वेस्टर्न होटल में, तो मैं जा रही हूँ टुवर्ड्स वेस्टर्न, जो कि बहुत पास था हमारे वेन्यू के. ये था वेस्टर्न होटल एंड ये है चाइना टाउन, जो कि डीसी में है. और यहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड थोड़ा नाइट लाइफ एक्सप्लोर कर रहे थे, मतलब हमें भूख भी लगी थी, तो बहुत दिन से इंडियन नहीं खाए थे, तो इंडियन खाने आ गए थे हम लोग. एंड ये कोई होटल था जिसके सामने बड़ा फैंसी सा वाटरफॉल कहेंगे इसको, पता नहीं क्या था ये, मतलब अच्छा लग रहा था जो भी था. और फिर मैं अपनी फ्रेंड को छोड़ने गई टुवर्ड्स हर होटल, और बहुत सुंदर, काम, पीसफुल सा लग रहा था, मतलब काफ़ी अच्छा एरिया लग रहा था. तो ऐसे ही हमारा दिन ख़त्म हो गया, और फाइनली मैं वापस आके अपना फिर से पूरा आउटफिट देख रही थी, और मुझे आज एक और बैग मिला एग्जिबिट्स से. एंड दैट्स हाउ माई डे केम टू एन एंड. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe.